हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की न्यूज़पेपर में आई है वो सारी सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। और दूसरी सूचना, अगर आप लोगों ने अभी तक परीक्षा वीर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां पर UPSSC पेट की जबरदस्त क्लास चल रही है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तुरंत जाइए आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अब कल जो है आपका पेपर होने वाला है। आज बहुत सी इंपॉर्टेंट क्लास वहां पर चलाए जाएंगे, बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं यहां पर। तो कल से आप लोगों की पीटी की परीक्षा स्टार्ट हो रही है। कल और परसों दो दिन पेपर होगा, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को। यहां पर एक अपडेट आई है आज के न्यूज़पेपर में कि 15 व 16 अक्टूबर को होने वाली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी के दौरान परीक्षा केंद्र के हर कक्ष की वेबकास्टिंग होगी, जिससे अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों को पकड़ा जा सकेगा। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। परीक्षा की हर पाली में 30,240 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यहां पर सिर्फ जो है प्रयागराज की बात की जा रही है कि प्रयागराज में जो है एक पाली में 30,240 जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र आ गए हैं। अफसरों के साथ ADM सिटी मदन कुमार ने बैठक की है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कल से परीक्षा हो रही है। अभी मैं थोड़ी देर बाद में ऐसी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको एक जो दिशा निर्देश है उसके बारे में आपको सूचना दे दूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, एग्जाम देने जब आपको जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, किस हिसाब से जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। तो इसके लिए वीडियो भी मैं थोड़ी देर बाद लेकर आऊंगा अलग से, आप उसको आराम से देख लीजिएगा। चलिए अगली जो अपडेट है यहां पर आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती फंसने से अभ्यर्थी जो है धरने पर हैं। जूनियर हाई स्कूल भर्ती की यहां पर बात की जा रही है। यहां पर लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के लिए प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती लगभग साल भर से परीक्षा और परिणाम फिर संशोधित परिणाम तक ही अटकी है। 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई परीक्षा के 16 नवंबर 2021 को घोषित परिणाम में कई विसंगतियां मिली। शासन के निर्देश पर यह सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की कोई जानकारी नहीं दिए जाने पर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठ गए। 3 दिन से धरना दे रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में आदेश जारी किया जाए। सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP ने परीक्षा कराई थी। परिणाम में गड़बड़ी होने पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। इधर शासन ने गड़बड़ी की पुष्टि होने पर परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराया। इसके बाद संशोधित परिणाम जो है घोषित किया गया, जो 7 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड हुआ। इसमें प्रधानाध्यापक पद के 1544 और सहायक अध्यापक पद के 42,066 अभ्यर्थी सफल घोषित हो गए। तो कुल मिलाकर यहां पर दोबारा रिजल्ट भी आ चुका, संशोधित परिणाम जारी हो गया, लेकिन अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो इसी से छात्र जो है पिछले 3 दिनों से यहां पर धरना देकर बैठे हुए हैं। आगे यहां पर एक बड़ी अपडेट है, यल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। आप लोग बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बताया गया था कि अक्टूबर में उसका विज्ञापन जो है जारी कर दिया जाएगा। यहां पर एक अपडेट निकल कर आई है कि समकक्षता निर्धारण में अटकी 7,000 शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायता प्राप्त LT एवं प्रवक्ता संवर्ग में 7,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती समकक्षता विवाद में चलते अटक गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, लेकिन आयोग ने समकक्षता निर्धारण में अंतर होने से भर्ती विज्ञापन अब तक जारी नहीं किए। निदेशालय ने इस मामले में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन से गाइडलाइन मांगी है, ताकि आयोग को स्पष्ट किया जा सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर समकक्षता का जो विवाद चल रहा है वो यहाँ तक कि एलटी ग्रेड में और प्रवक्ता संवर्ग में भी इसका विवाद चल रहा है। तो उसको लेकर के यहाँ पर शासन को तो भेजा गया है और उनसे मांगा गया है कि कुछ गाइडलाइन, कुछ दिशा निर्देश वो भी प्रदान करें। ठीक है, इसी अड़चन के कारण वर्ष 2018 के LT अंग्रेजी भाषा के चयनित अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा निदेशक लखनऊ, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय प्रयागराज के कार्यालय में टहलते रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गजेंद्र सिंह बुंदेला, वत्सला जायसवाल, सुमन सहित करीब 20 अभ्यर्थियों का चयन EV द्वारा अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष मानने पर किया था, लेकिन निदेशालय ने माध्यमिक शिक्षा एक्ट में अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष नहीं मानने पर नियुक्ति नहीं दी। उप शिक्षा निदेशक MP सिंह के मुताबिक उन विश्वविद्यालयों में भी MA MSc में समकक्षता पर स्पष्ट राय मांगी है, ताकि स्थिति स्पष्ट की जा सके। प्रयास किया जा रहा है कि भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो फिलहाल ये तो लग रहा है कि अक्टूबर भी लग रहा है, अक्टूबर में भर्ती का विज्ञापन नहीं आ पाएगा। अब हम लोग को नवंबर का ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो यहाँ पर समकक्षता विवाद है वो भी शांत नहीं हुआ है और अभी शासन ने इसको लेकर के कोई दिशा निर्देश भी जारी नहीं किए हैं। चलिए अगली अपडेट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर BEd की काउंसलिंग के बारे में एक अपडेट निकल कर आई है कि दूसरे चरण में चॉइस फिलिंग का आज जो है एक आखिरी मौका है।
बीएड के दूसरे चरण में कॉलेज चॉइस फिलिंग का अभ्यर्थियों के पास शुक्रवार को आखिरी अवसर होगा। 15 अक्टूबर को अभ्यर्थियों को सीट अलॉट होगी। यहां पर आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर से ही तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। दूसरे चरण की काउंसलिंग में 75,001 से 2,00,000 रैंक तक अभ्यर्थियों को मौका मिला था। पहले चरण के छूटे हुए अभ्यर्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं। शुक्रवार को कॉलेज चॉइस फिलिंग का अंतिम दिन होगा, यानी कि आज आप लोग दूसरी काउंसलिंग का, आज आप चॉइस फिलिंग करने का आज आखिरी मौका, कल जो है आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। शनिवार को सीट अलॉटमेंट के साथ तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण की काउंसलिंग में 2,01,000 से 3,50,000 रैंक तक के अभ्यर्थी जो है भाग ले पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आपने अभी तक कॉलेज को चूज नहीं किया तो आज जाकर चूज कर सकते हैं, कल जो है उसका अलॉटमेंट आ जाएगा। और तीसरे चरण की जो काउंसलिंग है वो 2,01,000 से 3,50,000 रैंक तक जो अभ्यर्थी होंगे वो यहां पर भाग ले पाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहां पर जो ऑफिशियल आया था शेड्यूल, वो भी आप देख सकते हैं। यहां पर दूसरे फेज की अगर बात करते हैं तो 14 तारीख को आज जो है लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का, कल जो है अलॉटमेंट आ जाएगा। और कल से ही जो है थर्ड राउंड वाले जो काउंसलिंग, जिनकी रैंक आप देख सकते हैं 2,00,000 से 3,50,000 के बीच में, वो जो है काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी अगर आप लोगों को यूपी SSSC पेट की तैयारी अगर आपको करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है परीक्षावीर चैनल का, आप जाइए वहां पर बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिए। बाकी 1 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, आज 1 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा। कल क्लास नहीं चल पाई थी, थोड़ी सी तबीयत खराब थी इस वजह से तो कल की क्लास नहीं हो पाई थी। आज जो है करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी, तो आप लोग 1 बजे जरूर जुड़े। और साथ ही साथ शाम को 7 बजे जीके की क्लास भी चलेगी, तो उसके लिए भी आप सभी लोग जरूर जुड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस वहां पर चलती हैं। तो फिलहाल कल जो है आप लोगों की परीक्षा हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें थी कि हो सकता है परीक्षा टाल दिया जाए क्योंकि बहुत सारे जगहों पर बाढ़ का पानी चला गया है, कुछ सेंटर तो बदले गए लेकिन की परीक्षा नहीं टली। परीक्षा आपके तय समय पर होगी, वो अलग की बात है कि छात्र बहुत कम परीक्षा देने जाएंगे, उतने छात्र परीक्षा देने नहीं जाएंगे जितना अनुमान था कि 37,00,000 लोगों ने पेपर दिया है तो 25,00,000 तो कम से कम पेपर देंगे, इतना नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा छात्र परीक्षा नहीं देंगे क्योंकि सेंटर जो है वाकई में काफी ज्यादा दूर है। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोग परीक्षा देने जरूर जाएं, अगर आप जा सकते हैं तो जरूर जाएं परीक्षा देने, क्योंकि यूपी SSSC पेट के बाद बहुत सारी भर्ती आने वाली है। फिर बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े कि अगर हम पेपर दे लिए होते तो हो सकता कि मैं इस भर्ती में बैठ जाता। तो पेपर दीजिए, अगर आपके जो है आसपास सेंटर है या थोड़ा दूर भी है तो मैनेज अगर आप कर सकते हो तो आप मैनेज करिए। कोशिश की गई कि परीक्षा को टाला जाए, परीक्षा के सेंटर को बदला जाए, लेकिन वही चीज़ है ना कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, इस वजह से जो है यहाँ पर परीक्षा नहीं टाली गई और सेंटर वही बदले गए जो बहुत ज़्यादा आवश्यक थे, बदलना उनको जरूरी था, पानी बहुत ज़्यादा उसमें भर गया था तभी उन सेंटरों को जो है चेंज किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल ये रही आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी अगर कोई अपडेट और आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, इसीलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और पेट की तैयारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से परीक्षा वीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उससे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो हैं उसका आप लोग लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।